हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पार्टनरशिप में आगे कंटिन्यूएंस देखते हुए एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे। एमलगमेशन, वो भी पार्टनरशिप में। यस, दो पार्टनरशिप बिजनेस मिलकर के हो सकता है एक तीसरा पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो सकता है एक्स वाई एंड ए बी दो पार्टनरशिप फॉर्म हो। दोनों ने सोचा आपस में लड़ाई करने से क्या फायदा है, आपस में बिजनेस हम दोनों के क्लैश करते हैं, एक दूसरे से हम लोग बवाल करते हैं, बवाल करने से कोई फायदा नहीं है, चलो एक हो जाते हैं। हम दोनों थे अलग अलग, हम दोनों थे जुदा जुदा, अब ऐसा नहीं है, अब दोनों एक बन जाएंगे। चलो फिर आज नहीं, चलो आज फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ऐसा नहीं है, चलो आज फिर से एक हो जाएं हम दोनों। ये सोचते हुए इन दोनों ने आपस में क्लैशेस हटा लिए, और क्लैशेस हटाने के पीछे इनका था, पहला तो आपस की दुश्मनी खत्म करना, दूसरा ये हो सकता है कंपटीशन खत्म करना, ये हो सकता है जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जा रही थी उसको कम करना, हो सकता है अलग अलग सेक्टर के बिजनेस एक साथ मिलेंगे तो और ज्यादा बिजनेस को मार्केटिंग हो पाएगी, बिजनेस बूस्ट कर पाएगा, और हो सकता है एक दूसरे के एक्सपर्ट नॉलेज को सहारा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? तो कई सारे फायदे हैं एमलगमेट करने के, तो इन लोगों ने भी सोचा चलो हम एमलगमेट हो जाते हैं। और प्रॉब्लम अब ये आती है कि पहले वाली पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होगी तभी तो नई पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे, पुरानी वाली दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होगी तभी तो नई पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे। इसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम क्या है कि हम लोग, जैसा कि कंपनी में अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो बता देता हूं। ये पुरानी फर्म का बैलेंस शीट है, ये फर्म ए बी है और न्यू है एक्स वाई, ये सी डी है, दो फर्में हैं, ये दोनों खत्म हो रही हैं और दोनों का बिजनेस किसके पास जा रहा है, एक्स वाई के पास जा रहा है, ठीक है ना। हमारा मेन मोटो क्या है, नाउ एट द टाइम ऑफ, भाई हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बताने जा रहे हैं कि हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। टैक्सेशन का मैटर यहां पर नहीं है, केवल बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने से रिलेटेड है। ये फर्म उधर जा रही है, ये फर्म इधर जा रही है। अब इस फर्म में जो कैपिटल अकाउंट है, जो लायबिलिटीज है, जो एसेट्स है, उनको हमें जीरो करना पड़ेगा। ये याद रखना है, वी आर नीडेड टू मेक द ओल्ड बैलेंस शीट एट जीरो और इसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है एक्स वाई में, इसमें लाना है, इसमें से हटाना है। अगर एक रुपए भी आपकी पुरानी बैलेंस शीट में दिखेगा, एवन अ सिंगल रुपी शुड नॉट बी शोन इन योर ओल्ड बैलेंस शीट, और यू कैन से एमलगमेटिंग फर्म की बैलेंस शीट में एक रुपए का भी बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखता है इसका मतलब अभी भी देयर इज अ नीड टू डू सम अकाउंटिंग एंट्रीज। तो चलो हम देखते हैं कैसे खत्म करते हैं। देखो यहां पर भी हम लोग रियलाइजेशन नहीं बनाएंगे, बल्कि यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हो सकता है कि एसेट्स को न्यू फर्म टेक ओवर कर ले, हो सकता है न्यू फर्म टेक ओवर ना करे, यही तो हो सकता है, जो एसेट्स हैं उसको नई फर्म टेक ओवर करेगी। हो सकता है न्यू फर्म जो इसको टेक ओवर करे वो रिवाइज्ड वैल्यू पर हो, या तो प्लस में या माइनस में, तो जो प्लस या माइनस होगा वो चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, हाँ या ना, रीवैल्यूएशन में, नॉट रियलाइजेशन। नॉट टेकन ओवर के दो ही रास्ते हैं, या तो हम इनको रियलाइज कर लेंगे मार्केट में सेल करके, और हो सकता है नॉट रियलाइज्ड हो, नहीं बिक पाई हो एसेट्स, यही तो हो सकता है। यहां तो एसेट्स बिक गई हो, यहां तो ना बिक पाई हो। अगर एसेट बिक गई है तब तो ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा वो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, प्लस या माइनस जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा। और अगर रियलाइज नहीं हुई है कोई पुराने फर्म की एसेट्स, तो मजबूरी में, किसमें, मजबूरी का दूसरा नाम, तो मजबूरी में इस एसेट्स को कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर्स यानी रिमाइनिंग पार्टनर्स जो हमारी पार्टनरशिप फर्म में थे। अब प्रॉब्लम आती है, ओल्ड पार्टनर्स तो अपने ट्रांसफर कर लेंगे अकाउंट्स में, किस रेशियो में, रेशियो में नहीं, किस रेशियो में, तो वो रेशियो होता है आपका, ध्यान देंगे, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो,
ये आप ध्यान देंगे और यहीं पर आपका गड़बड़ हो सकता है अगर आपने यहां पीएल रेशियो में बांट दिया तो इस चीज में चूंकि कैपिटल नेचर की एसेट्स है, कैपिटल में जा रही है तो कैपिटल रेशियो में ही ट्रांसफर होगी। इन द सेम वे अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो न्यू फर्म ले लेगी रिवाइज वैल्यू पर, जो प्लस माइनस होगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अदरवाइज हम लायबिलिटीज को सेटल कर लेंगे यानी पेमेंट कर लेंगे, जितना भी प्लस माइनस होगा वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा और जो सेटल ना हो पाए उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे कैपिटल रेशियो में। बस सारी बैलेंस शीट आपने यहीं पर सेट कर ली और यही एक आपका सिस्टम है एमलगमेशन में जर्नल एंट्रीज को करने का। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है डन डन डना डन डन, कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, हम लोग सीधे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर मूव करेंगे और एक ही पर्पज रहेगा टू मेक द ओल्ड बैलेंस शीट एट रुपीज जीरो। जरा देखें क्या है क्वेश्चन नंबर वन, आपके पास असाइनमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर वन हम नोट कर रहे हैं, समरी बना रहे हैं और समरी बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जैसी हमारी आदत है। क्वेश्चन नंबर वन ढंग से सुनेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। दो फर्में हैं, ए बी एंड सी डी। अच्छा जी, वही मिल गया क्या क्वेश्चन, ए बी सी डी। थर्टी फर्स्ट मार्च 16 की बैलेंस शीट है दो पार्टनरशिप फर्म की, क्रेडिटर्स दे रखा है 3000 एंड 25000, बीपी दे रखा है, ब्लड प्रेशर 6000, ओडी दे रखा है 10300, अलग अलग फर्मों में है। ए की कैपिटल बता रहा है 50000, बी की कैपिटल बता रहा है 50000, सी की कैपिटल बता रहा है 52500 और डी की बता रहा है 52500। स्टॉक इन ट्रेड देता है 50000 और 75000, डेटर्स की बात करता है 30000 एंड 45000। हम लोग समरी बना रहे हैं, प्रीमाइसेस बोलता है 20000 एंड नील बटा सन्नाटा, प्लांट एंड मशीनरी गिवन वैल्यू इज 5000 एंड 20000, बैंक 1500, फर्नीचर 500 एंड 300 एंड नेशनल वॉर बॉन्ड कितना है 2000। दैट्स इट, ये हमारी समरी बन गई बैलेंस शीट की। अब कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, हमें उन एडजस्टमेंट को ध्यान रखना है। अ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ बोथ द बिजनेस वाज मेड, इट वाज एग्रीड दैट द प्रीमाइसेस एंड प्लांट, प्रीमाइसेस एंड प्लांट को, प्रीमाइसेस को, ये वाली प्रीमाइसेस कितने पर 25000 पे ले आना है और प्लांट एंड मशीनरी को 10000 पे ले आना है, इस वाले को एबी का। सीडी का कहता है 5000 रुपए क्रेडिट करना है, पेटेंट ले आना है जो कि वो पजेस करते थे, अब वो हमारे पार्टनरशिप की, विच बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड वेर नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। एक एसेट थी पेटेंट, एक एसेट थी पेटेंट जो इनके पास है 5000 की, जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था, वो चाहते हैं कि अब बैलेंस शीट में दिखाया जाए। पक्की बात है एसेट्स प्रॉपर्टी एसेट फर्म की है तो उसको दिखाना चाहिए 5000 रुपए का। एक्सेप्ट कहता है ऑल द अदर एसेट्स वेर टेकन ओवर एट द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एक्सेप्ट दैट नेशनल वॉर बॉन्ड बिलोंगिंग टू ए एंड बी ए बी विच वेर नॉट टेकन ओवर। तो हमारा ये एसेट नॉट टेकन ओवर, सारी एसेट्स इसके अलावा बैलेंस शीट की वैल्यू पर ले ली गई, नेशनल वॉर बॉन्ड को किसी ने नहीं लिया, नई फर्म ने नहीं लिया। बोथ फर्म अंडरटुक द डिस्चार्ज देयर ओन लायबिलिटीज, याद रखेंगे जितनी भी लायबिलिटीज हैं पेड
बाय ओन, यानी टेकन ओवर नहीं होगी, न्यू फर्म इनको टेक ओवर नहीं करेगी, ये अपने आप हम लोग को पे ऑफ करना है। एबी की लायबिलिटी एबी पे करेगा, सीडी की लायबिलिटी सीडी पे करेगी, ठीक है। एंड इट वॉज एग्रीड दैट एबी इंट्रोड्यूस कैश टू मेक देयर कैपिटल इक्वल टू दैट टोटल ऑफ सीडी। चलो ये लास्ट का है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलता है, लास्ट का पॉइंट लास्ट में देखेंगे कैसे कैपिटल को इक्वल बनाना है, अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देखें तो एक पेज में अच्छा खासा दिया हुआ है, अच्छा खासा जगह घेरा है, लेकिन है क्या, केवल बैलेंस शीट है, बस इतना ध्यान रखना है, काम खत्म हो गया। बस अंतर यह है कि एबी की कैपिटल जो होगी वो सीडी के बराबर रखनी है, तो लास्ट में एडजस्टमेंट देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग जो जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं वो एबी की बुक्स में करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेसर्स एबी क्या करेंगे आप, और मैंने कहा बैलेंस शीट जीरो होती चले जाने चाहिए, क्या होती चले जाए, जीरो। सबसे पहले देखो तो प्रीमाइसेस को 25,000 पर ले आना है, तो 5,000 से प्रीमाइसेस प्लस करना है ना, तो प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000। तो हम एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, इसको हमने लिख दिया 5,000 प्लस कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी को भी 5,000 से बढ़ाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। मैंने इसको भी यहां से काट दिया और उसको मैंने यहां पर लिख दिया 10,000। तो देखो ना, मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया। अच्छा, इसको कहां ले जाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे, कितने रुपए से, 10,000 से, और इस रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है ना। जरा ढंग से देखें, इसके अलावा क्वेश्चन में हमें नहीं लगता कुछ बोल रहा है, जो लिखा है बस उतना ही है, बहुत इजीली हो गया। अब इस रिवैल्यूएशन में तो कुछ है नहीं, रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे पीएल रेशियो में। नाउ नथिंग इज गिवन एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर पीएल रेशियो, इक्वल इक्वल कर लेते हैं, 10,000 को दोनों में बांट दो, हो गया। ये हटा दें आपको, नहीं तो कंफ्यूज करेगा पीएल रेशियो, ठीक। देखो ना, ये अपने आप डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया, 10,000 से डेबिट और 5,000 से ए और बी की कैपिटल भी प्लस हो गई, 5,000 और बी का 5,000। बोलो, हमने पूरा एडजस्टमेंट साथ साथ बैलेंस शीट में भी दिखा दिया, यानी अब इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन डन इन आवर बैलेंस शीट। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन, फर्स्ट लायबिलिटीज आर टू बी मेड, liabilities are to be settled by AB itself and no, national war bonds are not to be taken over by the new firm. तो अगर नई फर्म इसको नहीं ले रही है तो नेशनल वॉर बॉन्ड को कौन ले जाएगा भाई, उसको तो खत्म करना है, कोई नहीं ले जाएगा, तो हमारे पार्टनर ही लेकर के इसको खत्म करेंगे। और आपको मालूम है, अगर कोई एसेट्स पुराने पार्टनरशिप नई फर्म नहीं लेती है तो एसेट्स को पार्टनर्स अपने अकाउंट में एडजस्ट कर लेते हैं, ए अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट डेबिट कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो दिया हुआ है दोनों का, अभी जो दिया हुआ था 50,000 बराबर बराबर दिया हुआ था, तो ये 2,000 भी हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, खत्म हो गया हिसाब किताब। तो हमारा नेशनल वॉर बॉन्ड खत्म हो गया, देखो क्रेडिट हो गया, और 1,000 मेरा एबी भी खत्म हो गया। अब 55 की जगह 54 54, यहां तक का तो मैंने बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट कर दिया भाई साहब, और जर्नल एंट्री भी कर दी, साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपको इफेक्ट सामने दिखता जाए। देखो ना, जर्नल एंट्री से सीधे वी आर जस्ट मेकिंग द एडजस्टमेंट इन द बैलेंस शीट, इज इट क्लियर। एंड इफ वी आर नीडेड टू मेक द बैलेंस शीट एट दिस पॉइंट, नाउ दिस वन बैलेंस शीट इज ओवर, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अच्छा, अब कहता है कि लायबिलिटीज को पे ऑफ करो, तो लायबिलिटीज कितनी है, 3 और 6,000, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,000 एंड बीपी अकाउंट डेबिट 6,000। और क्वेश्चन में कहता है, जरा ढंग से अगर मैं वो लाइनें पढ़ दूं, तो क्वेश्चन में कहता है ऑल द अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यू इन द एक्सेप्ट दैट नेशन,
अच्छा, बोथ फर्म अंडरटुक टू डिस्चार्ज देयर ओन लाइबिलिटीज एंड इट वॉज एग्रीड. ठीक है ठीक है ठीक है, केवल इतना कहता है बोथ द फर्म्स आर एग्रीड टू डिस्चार्ज द देयर लाइबिलिटीज. यस, बोथ फर्म अंडरटुक टू डिस्चार्ज देयर ओन लाइबिलिटीज. नाउ दे हैव गिवन देयर एसेंट दैट दे विल मेक द पेमेंट ऑफ देयर ओन लाइबिलिटीज. इट डजंट मीन एट ऑल कि इनके पास तो पैसा है ही नहीं, इनके पास तो केवल 1500 रुपए हैं और लाइबिलिटी 9000 की. अब क्या करें, अब क्या करें, एक काम करो, हमको अभी सेटल करने से मतलब है ना, इस बैलेंस शीट से हटाने से मतलब है ना, पर्सनली हाउ दे आर मैनेजिंग दैट इज देयर ओन हेडेक. वो अपने घर से पैसा देते कहां से देते, पहले तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करो, क्योंकि हमें हमारी बैलेंस शीट में तो पैसा दिख नहीं रहा. दिख रहा होता तो शायद यहीं से पेमेंट करके हम यहीं पर डन 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 कर देते, लेकिन नहीं दिख रहा तो हमारे पास मजबूरी है कि इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 4500 एंड 4500. देखो ना, कैपिटल बढ़ा दिया और लाइबिलिटीज खत्म कर दी, लाइबिलिटीज खत्म कर दी और कैपिटल हमने 58500 कर दिया. कितना बोलो ना, साथ साथ देखो बैलेंस शीट बनती जा रही है तुम लोगों की. ये खत्म हो गया एडजस्टमेंट. अब क्या बचा, अरे अब क्या बचा, कुछ भी नहीं. अब इस बैलेंस शीट को नई फर्म ले लेगी, अब जो बची हुई बैलेंस शीट है उसको नई फर्म ले लेगी. कुछ बचा है क्या, नहीं. प्रीमाइसेस प्लांट ए और बी रिवैल्यूएशन तो उसी समय खत्म हो गया, ए बी नेशनल वॉर बॉन्ड खत्म हो गया, क्रेडिटर्स बी भी खत्म हो गया. अब जो बैलेंस शीट ये बची है ना, इसको नई फर्म ले लेगी. जरा देखो तो हमारा टू स्टॉक इंट्रेड कितने का ले लेगा, कहाँ है बाकी सारी एसेट्स, बुक वैल्यू पर यानी जो स्टेटेड वैल्यूज हैं उसी पर ले लिया जाएगा. डेटर्स कितने पर नई फर्म ले लेगी, 30,000. बोलो हमारे यहां से तो जा रही है एसेट्स. प्रीमाइसेस कितने पर न्यू फर्म ले लेगी, 25,000. देखो ना, रिवाइज वैल्यू आ गई हाथ में. और प्लांट एंड मशीनरी 10,000 और टू बैंक 1500 1500 और टू फर्नीचर 500. अब जरा मैं आपसे बोलूं कि मैंने ये सारी चीजें खत्म कर दी बाई पासिंग दिस वन जर्नल एंट्री. हमने ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पास, ये खत्म कर दी एसेट्स इस जर्नल एंट्री को पास करके. लेकिन अभी जर्नल एंट्री पूरी नहीं हुई, समथिंग मस्ट बी डेबिट. आखिर ये एसेट्स कौन ले जा रहा है, नई फर्म ABCD अकाउंट डेबिट, ये नई फर्म है. कितने से डेबिट है नई फर्म, अच्छा मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया, चलिए अभी ले आता हूं. 5 3 8 2 10, 1,15,000, 1,16,000, 1,17,000, 1,17,000. लाइबिलिटी साइड में अगर मैं बोलूं, अब देखिए आपका कुछ नहीं बचा, ये सारी एसेट्स खत्म हो गई. अब मैं कहूं ये खत्म हो गया आपका, हाँ या ना. प्रीमाइसेस तो हमने ऑलरेडी प्रीमाइसेस को डेबिट करके उतने से क्रेडिट कर दिया, ये तो ऑलरेडी खत्म हो गया. केवल ए बी का खाता बचा हुआ है, केवल ए बी का खाता बचा हुआ है बैलेंस शीट से. ये खत्म हो गया, ये बैलेंस शीट से खत्म हो गया, केवल और केवल ए बी ए बी ए बी, जहां देखो ए बी और ए बी सी डी और एसेट्स तो जीरो ही हो गई. यानी हमारे पास केवल और केवल ए बी बचा हुआ है और ए बी सी डी बचा हुआ है और साथ साथ केवल ये बचा हुआ है. बोलो, अरे भाई बोलो, अब क्या होगा, अब इनकी कैपिटल नई फर्म में बन जाएगी. आखिर यही तो अमाउंट होगा जो नई फर्म लेने को तैयार है, ये वही तो अमाउंट है जिस पर नई फर्म काम करने को तैयार है. कितना बचा, 10,000 में से 2,000 निकल गया. चलो 10,000 और 9,000, 19,000. 19 में से दो निकला कितना, 17. सर अब जरा आगे बढ़ते हैं. सर यहां तक की जर्नल एंट्री का हम लोगों ने सारा का सारा हिसाब किताब एडजस्ट कर रखा है, क्योंकि यहां पर था कितना, 50,000 था. 50,000 में 5,000 जोड़ दिया, 55 हो गया. 55 में से माइनस वन गया, 54 हो गया. 54 में 4500 ऐड किया, तभी तो 58,500 आया था. इट मींस यहां तक की तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी ईच एंड एवरी फिगर हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड. वी आर नथिंग टू डू टिल दैट दिस वन जर्नल एंट्री. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, केवल हमारे पास पूरी बैलेंस शीट में ये दो फिगर बची हुई हैं और यही एक ऐसी फिगर बची हुई है जिसको हमें एडजस्ट करना है. और अगर आप दोनों को मिलाएंगे
दैट इज इक्वल टू 1,17,000। तो एक काम कर लो, उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, ए और बी की कैपिटल अकाउंट को डंडनाडन जीरो करते हैं। कैसे? क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, देखो ना, और डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, दैट्स इट। बस देखो ना, इतनी जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लिए और कुछ भी नहीं बचा भाई साहब आपका, कुछ भी नहीं बचा। देखो ना, क्वेश्चन लग कितना बड़ा रहा था और कितनी जल्दी खत्म हो गया ए बी की पास जर्नल एंट्री में। अगर यही चीज में जर्नल एंट्री पास कर लू सी डी के पास तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? इन द सेम लाइन वी आर नीडेड टू मेक द जर्नल एंट्रीज। कैसे? सबसे पहले किसको एडजस्ट करना है? पेटेंट नया ले आना है तो पेटेंट को ले आओ, क्योंकि पहले से तो एसेट है नहीं। पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो कितने से? सर 5,000 से। और कुछ था क्या? नहीं, नए में यही एक ले आना था और वो हम ले आए। चलो भाई, यहां से पेटेंट हट गया, यहां पर पेटेंट आप जोड़ दो। मैं इसको हटा रहा हूं नेशनल वॉर बॉन्ड को, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं पेटेंट। अब आपका बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हो गया, हमको कुछ नीचे से नहीं करना। अब क्या करना है हमें ना, लायबिलिटीज को पेमेंट करना है, पेमेंट कर दो, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो आप लेकर चले जाओ सी और डी के अकाउंट में। बराबर बराबर है क्या? यहां पर भी दोनों की कैपिटल बराबर बराबर है। वैसे कैपिटल में नहीं ले जाना है, ये पीएल रेशियो में ले जाना है, ये ध्यान देंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पीएल रेशियो क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहीं नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग पीएल रेशियो A1:1 बांट रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए दोनों केसेस में 1:1 लिया। कैपिटल को ध्यान मत देना क्योंकि यहां पर कैपिटल भी बराबर है, मुंह से निकल गया मेरे। अब क्या करना है? चलो भाई, रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब तो हमने यही खत्म कर दिया। पेटेंट 5,000 यहां पर आया और सी और डी के खाते में ऐड हो गया 2,500। कितना हो गया? 55,000। हम लोग तुरंत एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं, देखो ना। अब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, मैच करेगा, और यहां तक की जर्नल एंट्री वीक को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें सर? लायबिलिटीज को पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दें तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओडी को डेबिट कर दें तो बैलेंस शीट से ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमने इनको बैलेंस शीट से खत्म कर दिया, ये लो। और इनको लेने वाला कौन है? यहां पर क्या कैश है? अरे यार, तो इक्को रुपया नहीं है, मैंने एक रुपया नहीं बोला, मैंने कहा इक्को रुपया नहीं है। अगर इक्को रुपया नहीं है तो सी और डी इनको कैपिटल रेशियो में बांट लेंगे। किसको? देखो, दोनों जगह मैंने फर्क लिखवाया है, पीएल रेशियो एंड कैपिटल रेशियो, इस चीज को माइंड करने की जरूरत है। तो 35,300 डिवाइडेड बाई 2, 17,650, 17,650। अब एक काम करते हैं, ये तो जीरो हो गया, 17,650 से इसको प्लस करते हैं, 72 आ जाएगा उम्मीद है, या 72,650। बोलो नई कैपिटल कितनी आई? 76,250। साथ साथ चल रहा है तो हमको बैलेंस शीट में नोचा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब खत्म हो गया, नॉट टेकन ओवर भी खत्म हो गया, पेड बाय भी हो गया, ये भी हो गया, बस 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 बस। अब एसेट्स को उठा करके दे दो। किसको? एबीसीडी को। चलो, यहां तक का हमको कोई एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं करना। स्टॉक इन ट्रेड दे दो किसको? एबीसीडी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड, कितने से? 75,000। डेटर्स 45,000। प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फर्नीचर 300 एंड पेटेंट 5,000। जरा टोटल देखें, हमने ना क्या किया, इस पूरी बैलेंस शीट को खत्म कर दिया और सारा का सारा एबीसीडी में ट्रांसफर कर दिया। सॉरी, ये आ गया 145,300। और मैंने इन सब की जगह एक ही चीज डेबिट की है, ये सब हटा दिया और मैंने डेबिट में लिख दिया एबीसीडी, कितने से? 145,300। तो आप दिमाग में ये बैठा लो, डेबिट साइड मेरा ये है और क्रेडिट साइड, अब टोटल करो, दोनों साइड साइड टोटल मैच करना चाहिए। अरे
7,200 का क्या रह गया भाई साहब? बैलेंस शीट का कोई आइटम छूटा है क्या? चलो दोबारा कर लेते हैं। यहां था 52,500 में हमको 2,500 ऐड करना था तो 55,000 हो गया। फिर 17,650 ऐड करना था तो 72। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ यहाँ टोटल मिस्टेक है भाई साहब, 72,650 और 72,650, ठीक है ना? टोटल मिस्टेक है, टोटल मिस्टेक। तो अब देखो क्या मैच कर रहा है दोनों तरफ, 145,300 माइनस 72,650। ओ मैच कर गया, खत्म करो हिसाब किताब, ए बी सी डी को खत्म करो, ए और सी डी को भी खत्म करो, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट और ए बी सी डी को क्रेडिट करके जीरो कर दो। तो ये हो जाएगा 145,300 एंड 72,650। That's it. मैंने ये नहीं कहा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्यों? क्योंकि अभी एबीसीडी की बुक्स में एंट्री करनी बाकी है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ये तो समझ में आ गया बैलेंस शीट कैसे जीरो होती है और उसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब एबीसीडी की बुक्स में एंट्री करना हुआ और भी आसान। एक लास्ट एडजस्टमेंट बस ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले यहां से एबीसीडी के पास एसेट आएगी, देखो ना ये एसेट्स कहां गई एबीसीडी के पास, तो एसेट यहां आएगी, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000 और प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, बैंक कितना 1,500 और फर्नीचर कितना 500। कितना रुपया आ गया होगा? 1,17,1,17 सीधे सीधे दोनों में बटा हुआ है, देखो ना ये खत्म। जो यहां डेबिट है इनकी कैपिटल यहां बन जाएगी, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल बन गई, कितने से 58,500 एंड 58,500। चलो ये तो हो गया खत्म। इसी तरह सीडी की भी एसेट्स यहां आएंगी, सीडी की भी एसेट्स यहां आएंगी, कैसे? स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट 75,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 45,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, फर्नीचर 300 एंड पेटेंट अकाउंट डेबिट 5,000। ओके, ये चली जाएगी कैपिटल सी और डी में, कितने से 72,650। और क्वेश्चन के शुरू में ही लास्ट में सबसे बोला था, क्वेश्चन के लास्ट में बोला था मैंने, जो बोला था कि जब सब खत्म हो जाएगा इक्वल करना है कैपिटल को, एबी की कैपिटल को सीडी के बराबर करना है। तो एबी की कैपिटल कितनी है 58,500 और इसकी कितनी है 72,650। हाँ या ना, 72,650 माइनस 58,500, 14,150 ए ले आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट ए ले आएगा 14,150, यही तो आ रहा है, और बी भी ले आएगा इतना 14,150, तो 28,300। बोलो अब जाकर कैपिटल भी बराबर हुई और हमारे क्वेश्चन की हर एक रिक्वायरमेंट भी। इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द बैलेंस शीट ऑफ सी ए बी सी डी, देन यू कैन मेक योर न्यू बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा। अब स्टॉक इंट्रेड 50,000 और 75,000 1,25 पर दिखाएंगे, डेटर्स आपका 30,000 और 45,000 सी ए बी सी डी में 75,000 दिखेगा, प्रीमाइसेस 25,000 दिखेगा, प्लांट एंड मशीनरी 20 और 10 30,000 पे दिखेगा, फर्नीचर दिखेगा 300 और 500 800 रुपए में दिखेगा,
पेटेंट आपका दिखेगा 5,000 में और बैंक दिखेगा 1,500 में, और एबीसीडी की जो कैपिटल दिखेगी चारों की 7,2650 और बैंक को प्लस कर देंगे 28,300, यानी बैंक 1,500 और 28,300 पर आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप नई बैलेंस शीट आप खुद बना लेंगे, क्योंकि हम उस चीज पर नहीं, क्योंकि जो मेरा आज का पर्पस था आपको एक तरह से हर चीज को समझा देना एक क्वेश्चन के तरीके से, तो वो आज हो गया। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बट ऑब्वियस है धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही कंसिडर करेंगे। जल्दी से नोट करें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया दोबारा जाकर के एक बार देखें, उम्मीद करते हैं 100% समझ में आएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने बोलने से छोड़ा हो या बताने से छोड़ा हो। अब इस स्टेज पर आकर के मैं ये नहीं समझता कि मुझे आपको हर एक डेबिट क्रेडिट को इतने डिटेल्स में बताने की जरूरत पड़ी होगी। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आज तक, सैकड़ों क्वेश्चन, हंड्रेड्स की नंबर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप तो इतने हाथ सेट हो गए होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम लोग समरी बनाएंगे क्वेश्चन की एज यूजुअल, ठीक, और इस क्वेश्चन में थोड़ा आप पेशेंस रख कर चलेंगे, क्योंकि इसमें नई चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी, या कह सकते हैं कंफ्यूजन ज्यादा अराइज होंगी रेदर देन योर लास्ट क्वेश्चन। एबी एंड ओपी, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2016 की, और उसमें लिखा हुआ है कैश एट बैंक है आपका 12,600, 9,300, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4,500, डेटर्स है 21,300 एंड 19,500, स्टॉक है 17,100, 19,500, फर्नीचर है कितने का 4,500 एंड 3,600, प्लांट है 6,000 एंड 5,100, लैंड बिल्डिंग है 21,000 एंड 15,000। चलो कहता है कैपिटल है ए का, बी का, ओ का, पी का 36,000 एंड 30,000, क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू है। ख्याल रखेंगे इसका, ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि वैल्यूज इक्वल दी हुई ना, और इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि हमें करंट अकाउंट भी दे रखा है ए का और बी का 3,000 एंड 1,800, क्रेडिटर्स है 16,200 एंड 16,800। तो इसमें हमको दो नई चीजें मिली, पहला तो कैपिटल आर नॉट इक्वल एंड एज वेल एज आर पी एल रेशियो आर नॉट इक्वल। तो पी एल रेशियो सबसे टॉप में दिया हुआ क्वेश्चन के 3:2 एंड 1:1, ए बी का रेशियो है 3:2 और ओपी का रेशियो है 1:1। चलो, द टू फर्म डिसाइड टू अमलगमेट देयर बिजनेस एज फ्रॉम 1st of April, द टर्म वे एज फॉलोज, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ न्यू पी एल 3/10, 1/4, 1/4 एंड 1/5। एक काम करते हैं, सबको बराबर ले आते हैं, 3:2.5:2.5:2, ये अब आप लोग देख लेंगे कैसे आया, 10 के वैल्यूज में आ जाएगा, ठीक है। न्यू रेशियो आप लोग जानते हैं कैसे हम लोग इसको इक्वल करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ लेकर के।
अच्छा, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द टू फर्म्स वाज एग्रीड 12,000 और 9,000। गुडविल कहीं नहीं दिया, तो गुडविल है 12,000 एंड 9,000। चलो, अब प्रोविजन फॉर डेबिट डेट्स 1,200 और 1,500, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,200 एंड 1,500। हम सीधे डेटर से माइनस करेंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट अकाउंट नेम्ड एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वी हैव पास द एंट्री डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द डेटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द फर्म्स वेयर टू बी टेकन एट 2.5% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे 2.5% डिस्काउंट से, तो 16,200 का 2.5% ये आ जाएगा 405, और 16,800 का 2.5% ये हो जाएगा 420। तो ये क्रेडिटर्स को हम सीधे सीधे माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या दिया है, स्टॉक 10% पर माइनस करना है स्टॉक। चलो, विद द एक्सेप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वे टेकन बाई ए, इन्वेस्टमेंट को टेकन बाई ए 3,600 रुपए में, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया, वैल्यू रिवैल्यूएशन हो गया 900 रुपए से, ठीक है। द न्यू फर्म वॉज टू टेक ओवर ऑल द रिमेनिंग एसेट्स ऑफ ए एंड बी एट बुक वैल्यू, बाकी जितनी भी एसेट्स बची इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, तो बाकी सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पर नई फर्म ने ले लिया। विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच वे सोल्ड फॉर ₹21,000, लैंड एंड बिल्डिंग, द न्यू फर्म वॉज टू टेक ओवर ऑल द रिमेनिंग एसेट्स ऑफ ओपी एट बुक वैल्यू, तो इसके बारे में बात करते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड कितने 21,000 में बस ना, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 1,44,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द पीएल रेशियो, न्यू कैपिटल 1,44,000 और इसको हमें पीएल रेशियो में बांटना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। देखो ना, सारी डिटेल मैंने यहीं पर लिख दी, नथिंग इज लेफ्ट, और न्यू फर्म का नाम होगा ए बी ओ पी, ठीक है, नहीं भी बोलता तो भी हम वही लेकर के चलते। इस क्वेश्चन में नया क्या था, इस क्वेश्चन में भाई साहब नया क्या दिखा, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इस सेंस में क्योंकि कैपिटल की वैल्यूज अलग अलग हैं और पीएल रेशियोज भी अलग अलग हैं। नई फर्म में पीएल रेशियो हमको दिया हुआ है, वहां की टोटल कैपिटल दी हुई है, तो जो डिफरेंस फिगर होगी, या तो वो कैपिटल का पैसा उस फर्म में ले आएंगे या तो उस फर्म से ले जाएंगे नई फर्म से, वो बाद में देखेंगे। इसके दो तरीके हैं, हम सीधे सेकंड तरीके को बताएंगे जो मेरे लिए थोड़ा आपको समझाने में ईजी रहेगा, ठीक है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज एबी फर्म में, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, खत्म होने में 5 से 10 मिनट लगेगा केवल एबी को। चलो, क्या बोला कि 3,600 रुपए में ले लेगा इन्वेस्टमेंट को, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करके इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो 900 रुपए से कम कर दो। अब हमारा इन्वेस्टमेंट दिखेगा कितने से, ये दिखेगा 3,600 रुपए से, दिख गया ना, हाँ या ना, जितने पर दिखना था। और इसको ले किसने लिया, ए ने ले लिया, बोलो बोलो भाई, तो ए के खाते में डाल दो, और इन्वेस्टमेंट को कहां ट्रांसफर कर दो, सीधे सीधे ए के खाते में 3,600। इसका हिसाब किताब नहीं आता। अब अभी हमने कोई पूरी डायरेक्ट एंट्रीज पास नहीं की हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इसको 4,500 ही रहने देते हैं, और मैंने आपको एंट्रीज बता दी, बाद में एक साथ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, ये हम लोगों ने हिसाब किताब अभी तक यहां पर खत्म किया है। कहता है गुडविल को 12,000 पे लाना है, गुडविल दिख नहीं रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 12,000 से। चलो भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हम डेटर्स को कम कर दे रहे हैं, हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे डेटर्स को कम कर दे रहे हैं, कितने से, 1,200 से। और स्टॉक को भी कम कर दो भाई साहब, आप कितने परसेंट से, 10% से, यानी 1,710 से। चलो भाई,
ये भी हिसाब किताब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बचा क्या, क्रेडिटर्स को माइनस करना है यानी फायदा होगा तो क्रेडिटर्स को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है कितने से, 405 से। ये भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। बताओ इतने में कुछ बचा क्या, नहीं। इसके नीचे वाला कोई हिसाब किताब नहीं है तो नई फर्म का है और ये तो सेल किया गया है इसका, यानी पूरे इस एडजस्टमेंट में हमने सारे एडजस्टमेंट अपनी जगह सेट कर लिए। अब क्या करना है, इसको आप ट्रांसफर कर दो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में, किसमें, ये आ गया 9495। अब आपका टोटल रिवैल्यूएशन में बोलूं तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, टोटल रिवैल्यूएशन में फायदा दिख रहा है 8595, टोटल रिवैल्यूएशन में आपका फायदा दिख रहा है 8595। और इस रिवैल्यूएशन को खत्म करने के लिए हमें करना पड़ता है डेबिट, फायदा दिख रहा था, और ये ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी के अकाउंट में उनके पीएल रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। 8595 को 3:2 के रेशियो में बांट देना है, 3438। खत्म हो गया। हमें नहीं लगता कि कुछ अब इसमें बचा है, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब क्या करना है सर, इस बैलेंस शीट को खत्म करना है। इस बैलेंस शीट को कौन लेगा, इस बैलेंस शीट को पहले तो हम ये एडजस्ट कर लें फिगर्स। रिवैल्यूएशन का अकाउंट हम लोगों ने यहीं पर डन कर दिया है, देखो ना सब डेबिट क्रेडिट खत्म कर दिया। अब जितनी फिगर्स हैं यहां पर एडजस्ट करो। इन्वेस्टमेंट को 900 से माइनस करना है, लिख दो 36, ये भी एंट्री खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट को खत्म करना है 3600, लो बेटा खत्म कर दिया। ए को माइनस करना है 3600 से, तो ए को हमने माइनस कर दिया 3600 से। चलो ये भी एंट्री हो गई एडजस्ट वहां पे। गुडविल 12000 है, लाई गई है, तो गुडविल लिख दो कितने से, 12000 से, खत्म हो गया। क्रेडिटर्स को कम करना है 405 से, तो 16200 माइनस 405 ही आ जाएगा 15795। चलो भाई हमने ये भी खत्म कर दिया। डेटर्स को 1200 से माइनस करना है, तो 21300 माइनस 1200, 20100, इसको हमने लिख दिया। बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं आगे की जर्नल एंट्री। अदरवाइज इसको हम कटपिट कर रहे हैं, एग्जाम में मत कर देना, ऐसे सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 17100 माइनस 1710, ये आपका आ जाएगा 15390। बचा क्या, ए का कैपिटल कम हो जाएगा माइनस 5157 और बी की कैपिटल कम हो जाएगी 3438। बस ना, जरा देखते हैं, 36000 माइनस 3600 माइनस 5157, नाउ ये आ जाएगा, एक फिगर आ जाएगी 27243, 27243 और 30,3438 ये हो जाएगा 26562। बोलो भाई, हम आपको जादू सिखा रहे हैं एक तरह से, अब इसको जादू समझें या डेबिट और क्रेडिट का कमाल समझें। आप सामने सामने एडजस्ट कर लिए, अब आपको ये एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आपकी बैलेंस शीट सामने बनी हुई है, बस इस बैलेंस शीट को सामने वाली फर्म आपके टेक ओवर कर रही है। टेक ओवर करने दो टेक ओवर, हटाओ, कौन ले रहा है। सबसे पहले एसेट्स को खत्म करेंगे, तो 2 कैश 12600, 2 डेटर्स 20100, 2 स्टॉक इंटरेस्ट 15390, 2 फर्नीचर 4500, 2 पेटेंट 6000, देखो ना कितना आसान है भाई, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 21000 एंड गुडविल 12000। लेने वाला कौन, एबीओपी। लेने वाला कौन, एबीओपी। आप एक काम करो, सीधे एबीओपी अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से, एक काम करो, लायबिलिटीज भी तो टेक ओवर करेगा, लायबिलिटीज भी दे दो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 15795। अच्छा एक मुझसे गलती हो गई, क्या, करंट अकाउंट की एंट्री मुझे पहले करनी चाहिए थी, इसके जस्ट बाद एक एंट्री होनी थी करंट अकाउंट को खत्म करने की। इज करंट अकाउंट डेबिट, सबसे पहले यही एंट्री करनी थी, स्टार्ट ही हमको यहां से करना था, 3000 टू इज कैपिटल, हम पहली एंट्री यही करते। चलो भाई पहली एंट्री यही कर देना, उसके बाद सब करना, ताकि इसका टेंशन ही ना रहे।
ठीक है, और 20 करेंट अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री ये कर लेना, उसके बाद ये सब एंट्री करना, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपकी कैपिटल 3000 से बढ़ जाएगी, ये 3000 खत्म होगा तो ये हो जाएगा 30,243, और वो 1800 बढ़ जाएगा, 26,562 प्लस 1800, ये हो जाएगा 28,362, सब खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, एबीओपी में ले जाएंगे, ठीक। कितना आ गया, टोटल करते हैं, नेट करते हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे, और ये सारी चीजें खत्म हो गई, नया खाता खुल गया यहां पर, ये सब खत्म होकर के एबीओपी ओपन हो गया, कितने से, 75795, सब खत्म। अब ये दो अकाउंट हैं और ये है, जरा देखो क्यों भाई 25-50 सौ रुपए का फिर कोई लोचा आ रहा है क्या, एक बार और ट्राई हो सकता है, प्लस माइनस में समझाने समझाने में कोई चीज प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिया। मेरे पास कैपिटल दिया हुआ था 36,000 और मेरे पास कैपिटल दिया हुआ था जरा देखो 30,000, पिछले क्वेश्चन में भी कैपिटल में गलती हुई थी, इधर भी कुछ गड़बड़ है क्या। चलो हमने ये दोनों ऐड कर दिया था यहाँ पर 3000 और 1800, ठीक है ना, ये एंट्री पास करके मैंने ऐड कर दिया, चलो ये खत्म हो गया। अब जरा देखो क्या क्या एंट्री है, ए को कम करना है 3600 से, कर दिया, और ए को प्लस करना है 5157 से, और इसको प्लस करना है 3438 से, जरा ऐड करके देखो ये मैच होना चाहिए, अगर ये मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब हमको इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करने में, कहीं ना कहीं प्लस माइनस करने में, कोई चीज प्लस करनी थी हमें माइनस कर दी, या माइनस करनी थी वो प्लस कर दी, फिलहाल माइनस कर दी होगी क्योंकि हमें प्लस करना है, ज्यादा अमाउंट दिखना चाहिए। ये आ रहा है 40,557 और 30,000 प्लस 1800 प्लस 3438, ये आ गया 35,238। ओ ओ बस 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 भाई साहब, यही तो फिगर मैंने गलत लिख दिया है, ये यहां पर लिख देना, मुझसे कुछ प्लस माइनस में ही मिस्टेक हुई है, मैं फिर बोलता हूं मुझसे कुछ प्लस माइनस में ही मिस्टेक हो गई है लाने में यहां पर फिगर को, कोई चीज हमें माइनस करनी, प्लस करनी थी, हमने वो गलती से माइनस कर दी, हो सकता है इसी को प्लस की जगह माइनस कर दिया। चलो भाई अपना काम हो गया, मैच कर रहा है, कितना है 75,795, हमको लगता है मैच कर गया। अरे भाई साहब बिल्कुल करेगा, जब हर एक डेबिट के साथ क्रेडिट, मेरा शुरू से ही ये उसूल है, अपने एंट्रीज पर कॉन्फिडेंट रहो, हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट करो, हर एक क्रेडिट के साथ एक डेबिट करो, सेम फिगर से करोगे, बैलेंस शीट को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे मालूम था कि कोई प्लस माइनस में ही गलती हुई होगी, क्योंकि मैंने हर एक प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, डेबिट के साथ क्रेडिट और क्रेडिट के साथ प्लस किया है, तो गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। चलो भाई अब एक काम करते हैं, कैपिटल को खत्म कर देते हैं, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू एबीओपी, नई फर्म में चला जाएगा 75,795। देखो नहीं, ये फर्म खत्म हो गई, ये यहां से और ये दोनों ले आओ, लास्ट है 35,239। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई इसको जल्दी नोट करो, तो हम ओपी की बात करेंगे, ओपी की बुक्स में एंट्री करेंगे, और मुश्किल से 5 मिनट लेगा, और उसको करने के बाद हम लोग सीधे सीधे नई फर्म को, आपको अकाउंट मेंटेन करना है, यहां तो ओपी आप कर लेना, मैं नई फर्म बना दूं, नहीं सर आप ओपी बना दीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं। थोड़ी फास्ट देखें कि अब इतमान की जरूरत नहीं है, सबसे पहले गुडविल को ले आएंगे 9,000 से, और इसको बिल्कुल यहां से काट देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो डेटर्स को कम कर लेंगे 1500 से, और इसको बिल्कुल यहां से उड़ा दो, स्टॉक को कम करना है तुरंत 10% यहां से उठाओ 1950 1950, और यहां से बिल्कुल तुरंत हटाओ, क्रेडिटर्स को 420 से कम करना है तो डेबिट करके तुरंत माइनस कर दो। तो जो नई फिगर्स थी अब हमने वो सारी चीजें यहां लिख दी,
और इन टोटालिटी ये हमारा कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओपी के बुक्स में कर रहे हैं ये आ जाएगा 5970। और यहां पर तो कोई करंट अकाउंट का लोचा भी नहीं है, नहीं तो पहले वही एंट्री करते, तो यह खत्म हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए करा 21,000 में बेच दी गई, तो पहले 6,000 से बढ़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 से आप लोग बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 11,970। और उस लैंड एंड बिल्डिंग को आप बेच दो कितने में, 21,000 में, कितने में, 21,000 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग सीधे सीधे 21,000। पहले सीधे सीधे 6,000 से बढ़ा दिया, 21,000 कर दिया और प्रॉफिट तो अपनी जगह चला ही गया, ये भी हिसाब किताब तुरंत खत्म, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा जी, ये हिसाब किताब खत्म, ये खत्म, कुछ भी नहीं बचा, केवल लास्ट क्यों तो नहीं फर्म में देखेंगे, और आप जानेंगे इसको कैसे मेंटेन करना है। अभी पिछले क्वेश्चन बताया था 140 को 3, 2.5, 2 के रेशियो में आप लोग बांट देंगे और जितना कम या ज्यादा होगा उतना पैसा आप लोग ले लेंगे या दे देंगे। ओके, अब क्या करना है, खत्म करने की बारी है, खत्म कर दें कि चेंज करें बैलेंस शीट की वैल्यूज को, कर देते हैं। कैश कितना है, 9,300। कैश कितना आ गया, 21,000। टोटल कितना हो गया, 30,300। ओके, रिवैल्यूएशन बाद में देखेंगे, 11,000। और क्या बचा, लैंड एंड बिल्डिंग खत्म ही हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग खत्म हो गया। गुडविल को ले आना है 9,000 रुपए से, ले आ दिए। क्रेडिटर्स को 420 से कम कर दो, ये हो जाएगा 16,380। लो बेटा ये भी खत्म हो गया। डेटर्स को 1500 से माइनस कर लो, ये हो जाएगा 18,000। और 1950 से खत्म कर दो स्टॉक को, 17,550। रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी खत्म कर दो और ये ले जाओ ओ और पी के खाते में, 11,970 को देखो ना, ये भी खत्म हो गया। कितने के रेशियो में, 1:1, 5,985। बस तो हमारा ये भी अकाउंट सारे खत्म, सारे खत्म। इन दोनों को एडजस्ट कर लो ओ और पी में, 33,000 में प्लस कर दो, 38,985 और 22,200 प्लस 5,985, ये हो जाएगा 28,185। अब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, मैच करते हुए मिलेगा, कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। अब इस बैलेंस शीट को नई फर्म टेक ओवर कर लेगी, कैसे, सबसे पहले खत्म करो टू कैश इन्वेस्टमेंट, नहीं दिया है डेटर्स, थोड़ी स्पीड लेकर चल रहे हैं अब तो, हमें लगता है आप लोग यहां इतने होशियार तो हो ही गए होंगे, होशियार कि यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लांट फर्नीचर छूट गया, गुडविल सब खत्म, क्रेडिटर 16,380 और एबीओपी में चला जाएगा सारा का सारा, कितना, 67,170। जरा देखें मैच कर रहा है कि पिछले क्वेश्चन की तरह कोई दिक्कत, मैच कर रहा है। तो ये सब खत्म, ये सब खत्म, इसकी जगह आ गया हमारा 61,170, केवल एक फिगर बची और ये खत्म कर दें, बोलो हाँ या ना। तो एक ओ का अकाउंट डेबिट, डेबिट की जगह क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट और डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, रीजन हम बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, जब नई फर्म का आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे न्यू फर्म में एबीओपी में लास्ट में आपको 1,44,000 कैपिटल रखनी है, ठीक है ना। इस 1,44,000 को मैं डिवाइड कर देता हूं
ठीक है ना। अब देखो ये जा कितनी रही है, 38,985 है, कितना 36,000। ए बी ओ, ओ का 36,000 है, जबकि होना है ला कितना रहा है 38,000, ज्यादा है ले जाओ। तो नई फर्म इसको इतना पैसा वापस कर देगी, नई फर्म से वापस कर देगी। आप चाहें तो यहीं पर इसको वापस दे दें, दो तार रास्ते हैं, या तो ओपी वाले ही एंट्री कर दें 38,985 और 36,2985, यही फर्म यहीं से वापस कर दे और यहां से वो केवल 36,000 वहां ले जाए, या आपके पास दूसरा रास्ता है। लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे यहां से जितना हो वहां ले जाओ और वहां से लेते जाओ निकाल लो, या अगर आप चाहते हैं नई फर्म में 144 ही मेंटेन रहे तो आपके पास दूसरा रास्ता है, यहीं से आप 2985 यहीं पर कैश पेमेंट कर दो और ये 36,000 बचेगा, वो 36,000 वहां चला जाएगा। देखो ना उतनी वैल्यू दिखेगी फिर। अब बात समझ में आई, ये आपके ऊपर है आप क्या कर रहे हो। सर अगर 2,600,985 निकालेंगे तो कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, फिर बैंक आपका 2,985 से कम हो जाएगा, बैंक यहाँ 2,985 से कम हो जाएगा, अपने आप ये 2,985 कम हो जाएगा, ठीक है ना। हर चीज ऑटोमेटिक होती जाएगी, एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट होता जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट सेशन हम एक और लेंगे इस चैप्टर पर, जितने क्वेश्चन होंगे 1, 2 या 3 सॉल्व करके हम लोग खत्म करेंगे और ज्यादा ज्यादा 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेशन आपका इस चैप्टर के लिए लास्ट सेशन होगा, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।